हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकल कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकल कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट 30 डेज प्लस ब्लेसिंग्स। ओके, सो बेसिकली आपका नेक्स्ट 30 डेज कैसा होने वाला है एंड उसके साथ साथ क्या ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में विद इन नेक्स्ट 30 डेज, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली हमारे पास एज ऑलवेज तीन ग्रुप है। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप अपने कार्ड्स के थ्रू से चूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जितने भी कार्ड्स है आई मीन टू से, सो ये जितना भी लिंक्स है, जितना भी टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। नंबर वन, अगर आपने ये व्हाइट एगेट एंड एस ऑफ वंस चूज़ किया है ये कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू ग्रुप नंबर वन, ओके, जो मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है, ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग है। ओके, किसी एक टाइप का। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो पैशन होगा आपका विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके, किसी भी चीज़ को लेके ये प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए। यू नो, लाइफ को जीने का एक जो जोश है एंड एक्साइटमेंट है, ओके, वो आपका बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए ये बिजनेस अगर है आपका, ओके, अगर आप सोच रहे हो कि नए से कुछ प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करें करियर के केस में, या फिर कुछ नया बिगिनिंग अगर आप लाने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत बड़ा एक ग्रीन लाइट है ग्रुप नंबर वन के लिए। सो विद द व्हाइट एगेट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, या देयर इज समथिंग अबाउट लाइक क्लीनसिंग। ओके, क्योंकि व्हाइट एगेट अक्सर मुझे यू नो क्लीनसिंग के बारे में यू नो मैसेजेस देता है अक्सर। ओके, सो दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कि बहुत लोगों के लिए शायद पास्ट में आप किसी एंगजाइटी से डील कर रहे थे या फिर किसी वरी से डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन होता था शायद बहुत चीज़ों को लेके, या फिर ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। ओके, ये करियर को लेके हो सकता है, इट कैन बी अबाउट लाइक योर लव लाइफ, या फिर इट कैन बी एनीथिंग, फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे शायद अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा एंगजाइटी से डील करते थे या फिर टेंशन वरी स्ट्रेस, आई एम सीइंग कि उन सब चीज़ों को लेके क्लींसिंग हो रहा है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर वन के लिए जो आपका नेक्स्ट 30 डेज होगा उसमें आप और ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे रेदर देन वरी। ओके, सो अगर स्ट्रेस रहा है आपके पास्ट में, देन आई एम सीइंग कि वो घटेगा एंड यहाँ पे एक्शन ज़्यादा होगा ग्रुप नंबर वन के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो अगर आप बहुत वक्त से सोच रहे थे कि कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नया आइडिया से जिसको एग्जीक्यूट करना है, देन आई एम सीइंग वो आगे बढ़ के आप करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे एक जोश आएगा फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर वन, किसी एक टाइप का एक जोश, एक्साइटमेंट, पैशन। ओके, दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा डेफिनेटली। ओके, बट आई एम सीइंग कि या यहाँ पे एक डिटर्मिनेशन आएगा आपके अंदर कि अच्छा मुझे ये पूरा करना है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि या प्लेफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, आई एम सीइंग समबडी स्माइलिंग आउट हियर। सो आपका जो वक्त होगा नेक्स्ट 30 डेज का, आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर वन, या क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लींसिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर वन के एनर्जी में। सो डेफिनेटली देयर मे बी समथिंग जो शायद आपने चेंज किया है अपनी लाइफ में, या फिर कुछ ना कुछ तो आपने रिमूव किया होगा अपनी लाइफ से। ओके, कुछ ना कुछ हटाया होगा, या फिर कुछ ना कुछ तो है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, आपके एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्रुप यू नो ग्रुप नंबर वन के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, इन अ पॉजिटिव वे। सो या दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर वन, ओके, नेक्स्ट 30 डेज आपका कैसा होने वाला है। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर वन के लिए कैसा होने वाला है, व्हाट कैन ग्रुप नंबर वन एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, व्हाट कैन ग्रुप नंबर वन एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज, व्हाट कैन ग्रुप नंबर वन एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल, ओके, वन ऑफ द डेक, या सो लेट्स सी क्या निकला है। आपका फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके,
आपका सेकंड कार्ड है पेज ऑफ वंस, पेज ऑफ वंस। आपका थर्ड कार्ड है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एंड द फोर्थ कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्रिलियंट व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ग्रुप नंबर वन के लिए आई एम सीइंग कि जो आपका नेक्स्ट 30 डेज होगा यहाँ पे, या बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर, ओके। यानी कि इन अ वे न्यू बिगिनिंग जो है ये एक स्पार्क है, ओके। एज यू कैन सी यहाँ पे डेफिनेटली विद द पेज ऑफ वंस, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए एक जो एक्साइटमेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी एक टाइप का पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है, यहाँ पे कुछ एक ब्रैंड न्यू बिगिनिंग दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, या फिर कुछ नया आइडिया हो सकता है जिसको लेके आप एक्शन लेने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। सो करेंटली बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है शायद कि बहुत चीज़ें स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ रहा है, सो यहाँ पे ज़्यादा स्पीड आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा अपने लाइफ में करेंटली। सो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत ही प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ रहा है। एक्चुअली एक ग्रोथ है, एंड ये जो ग्रोथ है यू नो बहुत हद तक आई एम सीइंग वेरी प्रोडक्टिव एनर्जी। सो डेफिनेटली जैसे कि आप आगे बढ़ो फ्लो के साथ, आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए एक नया आइडिया होगा, ओके। दैट विल जस्ट पॉप इन, ओके। किसी एक टाइप का आइडिया होगा फॉर श्योर जिसके ऊपर आप एक्ट करना चाहेंगे, या फिर किसी एक टाइप का एक्शन लेना चाहेंगे। एक जोश आएगा कि आप कुछ नया एक्शन ले अपने लाइफ में, ओके। सो देयर इज समथिंग लाइक यू नो आप बहुत ही धीरे धीरे यू नो आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे कुछ आइडिया है देन आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, एंड आप धीरे धीरे उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड एक्शन ले रहे हो, ये वैसा वाइब दे रहा है मुझे। बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग से यू नो स्ट्रगल करते हो शायद, ओके। ओवर थिंकिंग को लेके स्ट्रगल करते हो शायद, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक यू नो यहाँ पे एक एनर्जी है, ओके, जहाँ पे करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, ये वैसा एनर्जी है ग्रुप नंबर वन के लिए, दैट यू नो आई कीप ऑन सेंसिंग। सो ये शायद आप इस एनर्जी से बहुत वक्त से डील कर रहे हो, जहाँ पे यू नो आप हमेशा ऐसे फील करने लगते हो कि अच्छा अगर यू नो ये आइडिया है जो मुझे दिया गया है फ्रॉम द डिवाइन, इसको लेके मैं एक्शन कैसे लूँ, अगर लूँ भी तो इसका पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा। यहाँ पे एक डर जैसा एक एनर्जी है। सो शायद आप बहुत वक्त से उस एनर्जी से डील कर रहे हो, ओके, जहाँ पे कुछ यू नो आइडियाज़ भी अगर आपको दिया जाता है, आप हमेशा यू नो एक डर के एनर्जी में घुस जाते हो, जहाँ पे आपको ऐसे लगने लगता है कि यू नो मुझसे नहीं होगा शायद, ओके। सो आई एम सीइंग फियर बेस्ड एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत है यहाँ पे, यानी कि आप अपने आप को लिमिट करते हो, मुझसे नहीं होगा शायद, ओके, इतना यू नो बड़ा छलांग मुझसे मारा नहीं जाएगा, ओके, ये वैसा कुछ एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो निगेटिव सेल्फ टॉक है किसी किसी के लिए, एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर इस चीज़ को लेके आपको केयरफुल रहना है कि अपने सेल्फ बिलीफ यू नो जो लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ है उसको अपने आप को रोकने मत दीजिए, ओके, किसी भी चीज़ को पूरा करने से, ओके। अगर कुछ आइडिया आ रहा है आपके माइंड में एंड दिल में, देन आगे बढ़ के उस यू नो उसको लेके एक्शन ले, ओके, चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ओके, एंड बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर वन, ओके, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है उसके बाद ही। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए शायद यू नो अगर आप बहुत वक्त से सोच रहे हो कि करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ये एक बहुत ही बड़ा सा एक ग्रीन लाइट मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप आगे बढ़ के वो एक्शन लेंगे, एंड जो उसका रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में होगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि डिवाइन यू नो या डिवाइन विल मेक एवरीथिंग वर्क आउट फॉर यू एक्चुअली, ओके। जो कुछ भी रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में होगा फॉर श्योर, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग यहाँ पे बहुत वक्त से यू नो जगल कर रहे हैं अपने थॉट्स को कि करूँ कि ना करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, ओके, चॉइस आप ले नहीं पा रहे हो। बहुत लोगों के लिए ये करियर चॉइस हो सकता है, ऑप्शंस है शायद आपके सामने कि ये करूँ कि वो करूँ। बहुत लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट होगा, दो दो चीज़ होगा, ओके, जो आपको हैंडल करना है, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको पहले चूज़ करूँ, या फिर कौन सा आप पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ, ओके, दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू। ये बस आपके अंदर ही ये कन्फ्यूजन है, यानी कि आपको ये यू नो
इस चीज़ का डर है कि पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा होगा, पता नहीं इसका रिजल्ट फ्रूटफुल होगा भी नहीं. सो वो चीज़ आपको डेफिनेटली ओवरकम करना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. एंड आगे बढ़ के आपको बस इंस्पायर्ड, जैसे कि आप इंस्पायर्ड फील कर रहे हो उसी हिसाब से आपको एक्शन लेते जाना है. ओके, सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. ओके, सो यहाँ पे है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल. ओके, सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है आपका एंग्जाइटी. या एंग्जाइटी डेफिनेटली एक्शन. ओ, सेकेंड कार्ड इज एक्शन. ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए. एज आई सेड, आप लोग डेफिनेटली एंग्जाइटी से डील करते हो. ओके, एंड बहुत ज़्यादा वरी बहुत है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हो एंड उसी के वजह से आप एक्शन भी नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप अपने ही माइंड में अटक जाते हो. ओके, क्योंकि यहाँ पे ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है एंड आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो, अपने एक्शंस को डाउट करने लग जाते हो. एंड आपको लगने लगता है कि पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा होगा, पता नहीं लोग इसको कैसे लेंगे. ओके, दैट मे बी समथिंग. एंड जिसके वजह से आप हमेशा से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग ये ओवरकम करेंगे. यहाँ पे उस थॉट पैटर्न को लेके थोड़ा सा आपको शैडो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ आपको ग्रो होने से रोक रहा है. एक्चुअली यहाँ पे परफेक्शनिज्म भी हो सकता है, यानी कि बहुत लोग यहाँ पे शायद जब तक ए टू जेड आप लोगों के लिए चीज़ें परफेक्ट लाइन में नहीं होता है. ओके, आप लोग शायद हेजिटेट करते हो उस चीज़ को दुनिया के सामने रखने से. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा परफेक्शनिज्म का भी मुझे एक एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे शायद बहुत लोग यहाँ बिजनेस हो सकता है आपका, या फिर इट कैन बी एट योर वर्क प्लेस. ओके, कुछ आइडियाज है जिसके ऊपर आपको काम करना है. ओके, देयर इज समथिंग अराउंड दैट, जहाँ पे बहुत डर है यहाँ पे. ओके, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा. ओके, एंड उसी चक्कर में आप शायद पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें या फिर बहुत कुछ आइडियाज रहा होगा जिसको लेके आपने एक्शन लिया ही नहीं. सो आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज वो चीज़ आपको ओवरकम करना है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी हार्ट को फॉलो कीजिए. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि फॉर सम ऑफ यू दिस इज डेफिनेटली अबाउट लाइक करियर. किसी के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये करियर हो, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को फॉलो कीजिए. जो कुछ भी आप एक्शन लेते हो वो दिल से लीजिए. ओके, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए. ओके, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा. व्हाट एल्स नेक्स्ट 30 डेज, व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा, व्हाट एल्स. ओके, हियर वी गो. फोकस ऑन द लाइट है. या डेफिनेटली. फर्स्ट कार्ड है रिस्टोर एंड रिप्लेनिश. ओके, एंड जो सेकंड कार्ड निकला है वो है सीइंग थ्रू यू. ओके, सीइंग द थ्रू यू. सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग भी है. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपने आप को ग्राउंड भी कर ले, क्योंकि आई एम सीइंग कि बहुत रेस्टलेस माइंड होता है अक्सर आपका, क्योंकि एक बार आप जब अपने माइंड के वो जब आपका माइंड उलझ जाता है आप वही अटक जाते हो. ओके, एंड वहाँ से आपके लिए निकलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाता है. शायद बहुत लोगों के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्लीप रूटीन है उसके ऊपर और ज़्यादा अच्छे से आप ध्यान दें. ओके, क्योंकि देयर समथिंग अबाउट जहाँ आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है. ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए जितना एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है उतना ज़्यादा आपके लिए रेस्ट लेना भी इम्पॉर्टेंट है. ज़्यादा अगर आप ओवर स्ट्रेस्ड होंगे एंड उसी चक्कर में अगर आप नहीं सोएंगे, देन आपके लिए और ज़्यादा आपका जो माइंड है वो और ज़्यादा केओटिक हो जाएगा एंड उतना ज़्यादा आपके लिए क्लियरली सोचने में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा एक्चुअली. सो बहुत लोगों के लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे. ओके, वेयर रेस्ट एंड रिजुविनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, अच्छे से सोना. ओके, सो दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. सो आई एम ऑल्सो गेटिंग की विद सीइंग द ट्रू यू. बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो,
ओके आई एम सीइंग सेंसिटिव पीपल. सो अक्सर अगर कुछ हो भी जाता है आपके आसपास, वो आपको बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्ट करता है, आपको हेल्थ यू नो आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है, आपके थिंकिंग पैटर्न को इफेक्ट करता है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने आप को ब्रेक देने की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर वन. ओके सो या वो इम्पॉर्टेंट होगा. एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आई एम ऑल्सो गेटिंग समथिंग अराउंड लाइक वाटर. ओके पानी पीना. ओके पानी के साथ काम करना. ओके फॉर सम ऑफ यू ये सोल्ड बात भी हो सकता है एक्चुअली. ओके नमक एंड पानी किसी से के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग देयर समथिंग अबाउट लाइक यू नो फाइनली. ओके यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली कौन हो. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप अपना जो एक्चुअल पोटेंशियल है ओके आप उसी को जान नहीं पा रहे हो, उसी को समझ नहीं पा रहे हो. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. ओके यानी कि आप बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत ज़्यादा है. ओके ये लोगों के जजमेंट के वजह से भी हो सकता है, आपके आसपास के लोगों के जजमेंट के वजह से, या फिर इट कैन बी जस्ट योर ओन थॉट पैटर्न, आपका खुद का थॉट पैटर्न हो सकता है, आप जैसे अपने आप को देखते हो. एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज वो आपका एक यू नो थीम होगा. ओके जहाँ पे शायद आप में से बहुत लोग इनर डिगिंग करने वाले हो. ओके कि मुझे एक्चुअली पसंद क्या है, मेरे डील के साथ क्या रेजोनेट होता है एक्चुअली, एंड मुझे क्या करने का मन है. ओके एक्चुअली सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि व्हेन इट कम्स टू योर करियर बहुत लोग यहाँ पे आप अपना जो ट्रूएस्ट ऑथेंटिक सेल्फ है वो आपको ढूंढ के मिलेगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज. ओके वो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है जो आपके अंदर वो जो पैशन है उसको इग्नाइट करता है. क्योंकि बहुत हद तक आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, बल्कि आप हमेशा रिजल्ट को लेके डरते हो. ओके एंड उसी चक्कर में आप यू नो आप अपने दिल के साथ अलाइनमेंट में नहीं आ पाते हो, क्योंकि आपको डर लगा रहता है कि पता नहीं यू नो ये कैसा लगेगा लोगों को, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, फ्रूटफुल होगा भी नहीं. सो आई एम सीइंग कि उसी चीज़ के आसपास बहुत क्लींसिंग है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके एंड आई ऑल्सो डोंट नो वाई मुझे यहाँ एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस करने में इतना ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है ग्रुप नंबर वन के लिए. सो देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक बहुत कुछ चल रहा है माइंड में. ओके देयर इज लाइक वेरी नॉइजी काइंड ऑफ माइंड, एंड जिसके वजह से जो आप एक्शन भी लेना चाहते हो ना वो भी खिचड़ी टाइप का हो जाता है अक्सर, क्योंकि आप अपने आप को एनफ रेस्ट नहीं दे रहे हो बहुत लोगों के, आप अपने माइंड को रेस्ट नहीं दे रहे हो. सो मेडिटेशन भी बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके या दैट इज ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस ऑन द लाइट, निगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए. ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज? Blessings for group number 1 within next 30 days. Blessings for group number 1 within next 30 days. So, क्या blessings है? Okay, island solitude है. Okay, I was getting that. So, बहुत लोगों के लिए शायद बहुत वक्त से आप अपने आप को वक्त नहीं दे पा रहे थे. Okay, so वो चीज़ आपके लिए possible होगा within next 30 days. Actually, भगवान आप बोल सकते हो कि आपको धकेल देगा ऐसे energy में जहाँ पे यू नो आपको अपने लिए वक्त लेना पड़ेगा. ओके थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा ताकि आप वो यू नो अपने अंदर जो आपके अंदर जो नॉइजेस चल रहा है ना, जो हल्ला हुल्ला चल रहा है, उसको आप सॉर्ट आउट कर पाए. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके जहाँ पे आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा इनवर्ट है. ओके यानी कि सेल्फ फोकस्ड एनर्जी जहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो. क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपका जो जर्नी है ना टूवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी, जहाँ पे आप अपने आप को और ज़्यादा डिस्कवर कर रहे हो, आपका टैलेंट क्या है, गिफ्ट क्या है, आप एक्चुअली हो कौन, आई एम सीइंग कि वो जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो गया है फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके सो बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग इट्स लाइक समथिंग अबाउट लाइक ब्रांड न्यू बिगिनिंग. ओके सो रिवर हैव मूवमेंट, सो इट्स स्पीकिंग अबाउट गोइंग विद द फ्लो. जहाँ पे आप यू नो रश नहीं कर रहे हो या फिर आप जल्दबाजी में नहीं हो, बस आप आगे बढ़ रहे हो विद यू नो दिस एज आई सेड यहाँ पे कुछ यू नो हरी करने की एनर्जी नहीं है. बस अगर कुछ इंस्पायर्ड एक्शंस यू नो लेने का इच्छा जा रहा है देन उसको आपको एक्शन यू नो उसको लेके आपको एक्शन लेना है. ओके सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट.
या अपने फियर को ओवरकम करना पड़ेगा फॉर ग्रुप नंबर वन विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, एंड जो आपका ब्लेसिंग है वो सॉलिट्यूड ही है, जहाँ पे इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ओके, बहुत लोगों को लग सकता है कि ये कैसे ब्लेसिंग हो सकता है. ओके, जहाँ पे अकेले टाइम स्पेंड करना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है. बट बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो वाई, शायद पास्ट में आप बहुत ज़्यादा यू नो केओटिक एनर्जी में रहे हो, शायद दैट मे बी समथिंग जिसके वजह से अभी धीरे धीरे यू नो ये जो सॉलिट्यूड है, ये बेसिकली ये ऐसा एनर्जी है जहाँ पे फाइनली आपको शांति मिल रहा है. ओके, एंड फाइनली आप अपने ऊपर फोकस कर पा रहे हो रेदर देन आउटसाइड नॉइजेस. ओके, सो लेट मी सी व्हाट इज द ब्लेसिंग ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर वन विद इन नेक्स्ट 30 डेज. प्लीज, ओके, हियर वी गो. या सो रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स. ओके, या रिवर आपके लिए रिवर दोबारा निकला है. ओके, लेट्स सी हिडन नॉलेज आकाशिक रिकॉर्ड साइलेंट अंडरस्टैंडिंग. सो बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकिक एंड इंट्यूटिव भी है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका जो ब्लेसिंग है वो ये होगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो फाइनली शांत हो जाएगा. एक्चुअली दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा आप एंग्जाइटी से डील कर चुके हो, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग, एंड फाइनली आपको जैसे पीस मिलेगा ना विद इन नेक्स्ट 30 डेज, आपका इंट्यूशन उतना ही ज़्यादा हाइटेंड हो जाएगा. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ सेल्फ केयर बहुत है, अपने ऊपर और ज़्यादा फोकस करने की एनर्जी है, अपने आपको आप और ज़्यादा नर्चर कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज. आपका जो स्लीप रूटीन है वो भी जगह पे आ जाएगा. ओके, अगर मेस्ड अप था तो पास्ट में, देन आई एम सीइंग कि डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा हाइटेंड होगा, एंड आपका जो सिचुएशंस को समझने का जो एक स्ट्रेंथ है वो आपके अंदर आ जाएगा एक्चुअली. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अगर डर भी आ जाता है कहीं से, अगर फिर से फियर बेस्ड यू नो थॉट आपके अंदर आ जाता है, देन आई एम सीइंग कि उसको भी आप खुद यू नो ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप खुद उस चीज़ को लेके अवेयर होंगे कि अच्छा मैं डर के जगह से आ रही हूँ या फिर आ रहा हूँ, एंड उसको आप हील करने के लिए भी आप कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेंगे एक्चुअली. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक शैडो वर्क, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अवेयर होने वाले हो, सेल्फ अवेयर अपने आप को लेके, एंड यहाँ पे बहुत साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि यू इंट्यूटिवली नो कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, एंड इसको कैसे हील करना है, अगर आपने हील किया तो ये आपको कहाँ ले जाएगा. आई एम सीइंग कि उन सब चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर यू नो खुद ब खुद आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, एंड देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक योर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर विद आकाशिक रिकॉर्ड्स. ओके, जहाँ पे यू नो बहुत लोग हैं जिनको यू नो आप धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअली कौन हो. देयर आर समथिंग अबाउट लाइक कुछ आप डिगिंग कर रहे हो. ओके, यानी कि शायद आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में और ज़्यादा यू नो घुस रहे हो. ओके, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपका एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्या बोल रहे हो, बर्थ चार्ट क्या बोल रहा है. सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि यू नो उसी प्रोसेस में आपको ये समझ में आएगा कि आपका फ्यूचर क्या है, आप करेंटली किस एनर्जी में हो, आप पास्ट लाइफ में भी किस एनर्जी में थे, वो भी शायद बहुत लोगों के लिए आपको ये पता चलेगा. दैट मे बी समथिंग ओके, जहाँ पे आप अपने बारे में और ज़्यादा फिगर आउट कर पा रहे हो. सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए आप में से यू नो आपके लाइफ में आप लोग ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड वो जो एक रास्ता है ना ब्लेसिंग्स को लेके, वो जो फ्लो है वो खुल जाएगा. ओके, जहाँ पे आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ को खुद ही ब्लॉक नहीं कर रहे हो. ओके, जहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग पास्ट में आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे थे, एंड वही चीज़ आप लोग सीखने वाले हो, उसी चीज़ के आसपास लेसन सीखेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज, कि कैसे यू नो ब्लेसिंग्स को फ्लो होने देना है अपने लाइफ में, एंड डर को अपने फियर को उसको ब्लॉक करने नहीं देना है. ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे डर दिखाई पड़ रहा है बहुत हद तक. सो वही है ग्रुप नंबर वन का मैसेज फॉर नेक्स्ट 30 डेज. ओके, वही था ग्रुप नंबर वन का रीडिंग. सो हमें से बहुत लोग आप फायर साइन हो सकते हो, जो कि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वारियस, या जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू, वर्गो है यहाँ पे, या व्हाट एल्स, या
सो वही दिखाई पड़ रहा है मुझे एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. सो या डेफिनेटली आपके लिए जो दरवाज़ा है ना वो खुल रहा है धीरे धीरे. ओके, वो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज वो आप खुद विटनेस कर पाएंगे एक्चुअली. वो जो ब्लेसिंग्स का जो दरवाज़ा है वो खुल रहा है आपके लिए, आपके लाइफ में. ओके, एंड इट्स ओपनिंग अप विथ टाइम. सो वही था ग्रुप नंबर वन का मैसेज. सो थैंक यू सो मच. ओके ग्रुप नंबर वन, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर टू, अगर आपने ये टाइगर्स आए अलोंग विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके सेवन ऑफ स्टोन्स, अगर ये कार्ड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द टाइगर्स आए एंड सेवन ऑफ स्टोन्स, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए, या आई डोंट नो वाई, बहुत ज़्यादा यू नो, या बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रहा है. ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग हीलर्स हो. ओके, वो चीज़ शायद आप फिगर आउट कर पा रहे हो विद टाइम, या फिर बहुत लोगों के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप एक हीलर हो. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. अगर आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज हो रहा था बहुत वक्त से, देन आई एम सीइंग कि उसको लेके हीलिंग हो रहा है करेंटली आपके लाइफ में. ओके, एंड या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. एंड बहुत लोगों के लिए इट्स कनेक्टेड टू लाइक यू नो, या बहुत लोगों के लिए शायद आप मदर गाया के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, यानी कि नेचर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. एंड आई एम सीइंग कि नेचर आपको हील कर सकता है. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर टू. सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक हीलिंग. ओके, आप जितना ज़्यादा मदर नेचर के साथ कनेक्ट करते हो उतना ज़्यादा हीलिंग आपके अंदर होता है, उतना ज़्यादा आप ग्राउंडेड होते हो, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में क्लींसिंग होता है, एंड उतना ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है. ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक बींग प्रोटेक्टेड. ओके, बहुत लोगों के लिए ये आपके एंजल्स एंड गाइड्स ओके है जो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. सो देयर समथिंग अबाउट योर हेल्थ. ओके, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है करेंटली. शायद अगर आप हेल्थ इश्यूज के थ्रू से चल रहे थे अपने रिसेंट पास्ट में, देन आई एम सीइंग कि उसी चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा यू नो हीलिंग हो रहा है करेंटली आपके लाइफ में, आपको हील किया जा रहा है. ओके, व्हाइल यू स्लीप. ओके, आई डोंट नो व्हाई, जब भी आप यू नो अपनी नींद में होते हो, यहाँ आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ओके, दैट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग एक्चुअली. जब भी यू नो ह्यूमन बींग्स व्हेन वी स्लीप तब सबसे ज़्यादा हीलिंग होता है एक्चुअली. सो हेल्थ इश्यूज जो है एंड आपका जो स्लीप रूटीन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शायद ग्रुप नंबर टू के लिए. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि बहुत प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है. ओके, आपकी स्लीप में भी. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई कोई है जो लोग यहाँ, या शायद आप लोग एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकते हो. ओके, जहाँ आपका सोल जो है इट कैन लाइक गो टू डिफरेंट रिम्स. ओके, दैट मे बी समथिंग जहाँ पे आपका सोल ट्रैवल कर सकता है जब भी आप सो रहे हो तो. सो ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलता है. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग जस्ट इन जनरल बहुत प्रोटेक्शन है आपके ऊपर. देयर समथिंग मतलब प्रोटेक्शन. ओके, सो विद द टाइगर्स आई एज वेल, या यहाँ पे किसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. ओके, विद द टाइगर्स आई किसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, एंड आपका जो एनर्जी है वो धीरे धीरे रिस्टोर होगा अभी. ओके, क्योंकि देयर आर समथिंग लाइक जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. ओके, समथिंग बिग जहाँ बहुत ज़्यादा आपको एक्शन लगाना पड़ेगा शायद. ओके, सो वो एक साइड मैसेज है फॉर सम ऑफ यू. बट लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर टू. ओके, नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर टू के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर टू के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर टू के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर टू के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो. सो बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर. ओके, एम्परर, या सो आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल. ओके, आपका सेकेंड कार्ड है टेम्परेंस. टेम्परेंस, ओके, आपका थर्ड कार्ड है डेविल, एंड द फोर्थ कार्ड इज 7 ऑफ वंड्स. ओह माय गॉड. ओके,
सो ग्रुप नंबर टू के लिए ओके सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस करेंटली ओके विद द नाइन ऑफ पेंटिकल बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल जगह पे है करेंटली फिनेंशियली ओके एंड शायद आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो ओके व्हेन इट कम्स टू आपका जो करियर है जो फाइनेंसेस है जो आपका जो सेल्फ केयर रूटीन है ओके उसमें भी आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है सेल्फ काइंड ऑफ हाउ टू से दैट यानी कि जहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो ओके सेल्फ फोकस्ड काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो विद टाइम ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग विद द नाइन ऑफ पेंटिकल जहाँ पे यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस करेंटली एंड बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में है जहाँ पे आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है करेंटली या फिर लोगों की नॉट इन अ टॉक्सिक वे बट आई एम सीइंग कि हाँ थोड़ा एक इंडिपेंडेंट वाइब है जहाँ पे आप अपने लिए यू नो या डेफिनेटली दिस इज समथिंग लाइक जहाँ पे आप अपने ऊपर डिपेंड हो सकते हो जहाँ पे आपके लिए ज़रूरी नहीं पड़ता है कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो फॉर एनीथिंग सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है ओके सो आई एम डेफिनेटली सीइंग जो आपका नेक्स्ट 30 days होगा ये कंटिन्यू होगा ये एनर्जी एक्चुअली ओके विद द टेम्परेंस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है जहाँ पे आपका माइंड बॉडी एंड स्पिरिट एक स्टेबल एनर्जी में है ओके वेर यू आर गोइंग विद द फ्लो आप किसी भी चीज़ को रश नहीं कर रहे हो या फिर फ्लो के अगेंस्ट आगे नहीं बढ़ रहे हो या फिर यहाँ पे किसी चीज़ की हरी नहीं है ओके विद द टेम्परेंस लाइक यू आर जस्ट गोइंग विद इट सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे एक बैलेंस्ड एनर्जी है आपके अंदर विद इन नेक्स्ट 30 days जो आपका बिगिनिंग होगा वेरी बैलेंस्ड एनर्जी एंड वेरी स्टेबल एनर्जी ओके यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रहा है बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है एंड बहुत लोगों के लिए आपका जो करियर है वो आपके लिए प्रायोरिटी है शायद जहाँ आप फोकस करो सो जो आपका यू नो जहाँ फोकस करो वो बहुत ही आराम से आगे जाएगा बट देयर समथिंग अबाउट लाइक यू नो जो आपका यू नो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days विद द डेविल यहाँ पे एक एनर्जी है इट कैन बी लाइक एनीथिंग अराउंड क्योंकि यहाँ 7 of Wands है आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे कुछ पास्ट का कुछ एनर्जी हो सकता है या फिर कुछ एक पैटर्न हो सकता है ओके बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई क्योंकि यहाँ 7 of Wands है इट्स गिविंग मी अ वाइब जहाँ पे कुछ एक पास्ट का एनर्जी है जो आपको पसंद नहीं है वो दोबारा से आने की कोशिश कर रहा है ओके दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू बट विद द 7 of Wands ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने पावर को डिफेंड कीजिए या फिर अपने लिए खड़े रहिए ओके वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि विद द डेविल आई एम सीइंग दिस इज समथिंग अबाउट लाइक पास्ट ओके ये एक टॉक्सिक साइकिल हो सकता है ये एक यू नो टॉक्सिक इंसान हो सकता है ओके जिसको आपने ऑलरेडी टाटा बाय बाय बोल दिया लेकिन ये कहीं से वापस आ रहा है विद द डेविल ओके दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो स्टैंड यू नो फॉर योर राइट्स ओके देयर समथिंग अबाउट लाइक अपने लिए खड़े रहना एंड अगर नो बोलना है देन नो बोलना ओके बाउंड्री हेल्दी बाउंड्री रखना अपने आसपास दैट विल बी समथिंग इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे कुछ है जो आपको पसंद नहीं है जो यू नो फिर से आपको दिखाई पड़ रहा है इन सम वे एंड जब भी ये एनर्जी आप यू नो एक्सपीरियंस करते हो आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रैप्ड हो या फिर आपको ऐसे लगने लगता है कि आप यू नो हेल्पलेस यहाँ पे कुछ हेल्पलेस जैसा एनर्जी है जहाँ पे यू नो बहुत एंग्जाइटी होता है डर होता है सो इट मे बी एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट लेट मी सी ये क्या है एक्चुअली नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा ओके नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा ओके लेट्स सी यहाँ पे कॉर्नोकोपिया ओके सो या डेफिनेटली आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू आर लाइक गेटिंग रेडी to be in a very very high position I don't know why यहाँ emperor है यहाँ cornucopia है so there is something about जहाँ पे बहुत ही बड़ा सा blessing आपके लिए you know manifest हो रहा है behind the scenes so शायद currently आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन आप you know ये flow के साथ आगे बढ़ो लेकिन you are being prepared from some for something really big
बहुत ही कुछ एक बड़ा चीज़ है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये किसी एक टाइप का प्रमोशन है, ओके, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ अपग्रेड है आपके करियर में जो होने वाला है एक्चुअली। बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम सीइंग जस्ट सम काइंड ऑफ अपग्रेड, ओके, जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगा। सो ये एक कुछ एक लास्ट टॉक्सिक, इट्स नॉट लाइक अ साइकिल, ये बस एक कुछ यू नो है यहाँ पे। लेट मी सी, यहाँ ब्रोकन हार्ट है, नेक्स्ट है आपका टेम्पल पाथ, या ये एक ऐसा एनर्जी दे रहा है जहाँ पे आप यू नो अपने रास्ते पे बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हो। आपको मालूम है आपको क्या चाहिए, आपको मालूम है कि आपका इंट्यूशन आपको कहाँ ले जा रहा है, आपको मालूम है कि डिवाइन आपको किस डायरेक्शन ले जा रहा है। एंड देयर इज दिस अ लिटिल बिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ओके, जो आने की कोशिश कर रहा है। सो बहुत लोगों के लिए ये आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये कैसा एनर्जी है या फिर कौन है, ये कोई इंसान हो सकता है जो कुछ यू नो थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ, ओके। ये चीज़ आपको समझना है, लाइक यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच समथिंग रियली बिग, ओके, फॉर ग्रुप नंबर टू। आई एम सीइंग कि आप यू नो ऑलमोस्ट आप दरवाजे पे खड़े हो एंड आप एक दरवाज़ा बहुत ही बड़ा सा आप एक दरवाज़ा खोलने वाले हो जो आपके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स लाएगा एक्चुअली आपके लाइफ में। सो इट्स लाइक राइट अराउंड द कॉर्नर, उसी के पहले ठीक यू नो आई एम सीइंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, यहाँ पे आई डोंट नो ये इंसान हो सकता है जो यू नो बस आपके पास्ट से हो सकता है ये कोई, ओके, या फिर ये यू नो डेविल जो है, इट्स लाइक एन एनर्जी जो आप बोल सकते हो कि एक टॉक्सिक साइकिल, टॉक्सिक माइंडसेट हो सकता है, जो पास्ट में रहा था वो फिर से वापस आ रहा है। ये डर भी हो सकता है आपके अंदर, ये यू नो अगर आपका अक्सर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना इधर उधर फोकस करके, जहाँ यू नो कोई फ़ायदा नहीं है फोकस करने का, देन आई एम सीइंग कि वो साइकिल हो सकता है, ओके, जो आने की कोशिश करे। इट्स सम काइंड ऑफ लाइक डिस्ट्रैक्शन, ओके, ये एक इंसान के फॉर्म में भी हो सकता है। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड, ओके, फॉर ग्रुप नंबर टू, या आपको मालूम है आपको क्या अचीव करना है, आपको किस डायरेक्शन जाना है, आपके लिए क्या सही है, यू नो दैट एब्सोल्युटली यू नो फुल्ली 100% आपको ये मालूम है एक्चुअली, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को डाउट मत कीजिए, बल्कि अपने लिए खड़े रहिए, ओके, एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर टू। सो बहुत लोगों के लिए इट माइट बी सम काइंड ऑफ लाइक किसी एक हार्ट ब्रेक से कनेक्टेड कुछ हो सकता है ये, ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग अबाउट लाइक जो आप यू नो जिस एनर्जी से आप हील हो रहे हो, ओके, ये कोई एक हार्ट ब्रेक हो सकता है जिससे आप हील हो रहे हो, एंड जो आपका बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज इट कैन बी कनेक्टेड टू दैट, ओके, जहाँ पे फिर से वो एक टॉक्सिक इंसान कहीं से वापस आ रहा है, या फिर टॉक्सिक देयर इज समथिंग अबाउट दैट, ओके, जहाँ पे इट्स कनेक्टेड टू योर हार्ट, आई डोंट नो वाई। बहुत लोगों के लिए ये आपके दिल से कनेक्टेड है, एंड आई एम सीइंग कि जो हार्ट ब्रेक हमने पास्ट में डील किया था, ओके, उसी से कुछ कनेक्टेड हो सकता है ये, लेकिन यू आर बीइंग गाइडेड कि अपने लिए खड़े रहिए, क्योंकि यू आर राइट, यू नो राइट देयर, यू आर अबाउट टू रीच समवेयर, ओके, वाओ। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर टू के लिए कैसा होगा। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रुकिए मत, ओके, आगे बढ़िए। ग्रुप नंबर टू के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा, ओके। सो पेंडोरास गिफ्ट है, पेंडोरास गिफ्ट, फोकस ऑन द लाइट, ओके, एंड लिसनिंग फॉर ट्रुथ, ओ माई गॉड, या ओके। सो वही मुझे एग्जैक्टली वही दिखाई पड़ रहा है। सो विद द फोकस ऑन द लाइट, आप में से बहुत लोग आप अभी ऐसा यू नो अपनी लाइफ में अभी शायद आप रिसेंट पास्ट में हार्ट ब्रेक से डील कर चुके हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला है किसी सिचुएशन में, एंड अभी आप उससे बाहर निकल रहे हो, ओके, जो आपका करेंट एनर्जी है, जहाँ पे आप हील हो रहे हो, एंड जहाँ पे यू नो आप धीरे धीरे और ज़्यादा पॉजिटिविटी पे फोकस करने लग गए हो अपनी लाइफ में, जो अच्छा जा रहा है उसके ऊपर फोकस करने लग गए हो। एंड आई एम सीइंग कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपसे कुछ यू नो बोलेगा अपने हिसाब से, देयर समथिंग अबाउट लिसनिंग फॉर ट्रुथ, ये यू नो कोई है जो पास्ट से हो सकता है, जो फिर से दोबारा आ सकता है आपके पास यू नो कुछ बोलने के लिए, दैट मे बी समथिंग। फॉर सम ऑफ यू दिस इज समथिंग अबाउट लाइक यू नो आपको समझना है कि सामने वाला कहाँ से आ रहा है, अगर आपसे कुछ बोला भी जाता है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान कहाँ से आ रहा है, शायद ये यू नो इंसान बहुत ही ज़्यादा
डर के जगह से आ रहे हैं. ओके, इट कैन बी लाइक गॉसिप या फिर छोटा सा कुछ यू नो हो सकता है यहाँ पे. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टैंड इन योर ट्रूथ. ओके, जो आपका ट्रूथ है उसमें आपको खड़े रहने को कहा जा रहा है. ओके, देयर इज लाइक जस्ट अ साइड नोट. ओके, डराने के लिए नहीं है ये, बस एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर यू नो आपसे कुछ बोला भी जाता है, देन आपको समझना है कि ये इंसान कहाँ से आ रहा है. ओके, एंड इनका यू नो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है उसका सोर्स क्या है. ओके, ये इंसान कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ आपको समझ लेना है. ओके, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग के लिए यू हैव अ गिफ्ट. ओके, देयर समथिंग वेरी पावरफुल गिफ्ट जो आपके अंदर है. ओके, एंड शायद वही गिफ्ट आपको बहुत आगे ले जाएगा एक्चुअली. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग वेरी यूनिक पीपल आउट हियर. एंड यहाँ पे यू आर बींग प्रिपेयर फॉर समथिंग वेरी बिग. ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो इट्स लाइक अ जर्नी. ओके, ये आप एक जर्नी में रहे हो बहुत वक्त से, एंड यू आर ऑलमोस्ट अराउंड द यू नो इट्स लाइक ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर आई मीन टू से. ओके, जो कुछ भी एक ब्लेसिंग है ना, वो इट्स लाइक राइट अराउंड द कॉर्नर. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते जाइए. ओके, या स्टैंड योर ग्राउंड, देयर समथिंग अबाउट दैट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पे. यहाँ पे बस यू नो ये डेविल है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. ओके, जहाँ यू आर ऑन द राइट पाथ विद द टेम्पल पाथ, ये आपका सोल पाथ है, ये आपका सोल जर्नी है, ये आपका सोल मिशन आप बोल सकते हो. बट दिस इज डेफिनेटली जहाँ पे यू नो बहुत ज़्यादा आप गाइडेड हो. बेसिकली ये डेस्टिन्ड है आपके लिए, ये जो जर्नी है, ये जो डेस्टिनेशन है. ओके, सो इट इज़ लाइक राइट अराउंड द कॉर्नर. सो लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग है विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. सो यहाँ पे है एब एंड फ्लो ओशन. ओके, सो यहाँ पे है ड्रीम टाइम क्रिएशन. या ये आपका ब्लेसिंग है. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका जो क्रिएटिविटी होगा ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा. एंड इट डजेंट हैव टू बी लाइक यू नो कनेक्टेड टू वर्क. ओके, ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ये आपका एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा यू नो इट्स लाइक अ क्रिएटर. यानी कि अगर आप हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, आप वो क्विकली कर पाएंगे. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे अगर आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, आप वो क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ में. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक जो आपका क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. बहुत आइडियाज़ आपको दिया जाएगा वन आफ्टर अनादर, जिसके ऊपर आप काम कर पाएंगे एक्चुअली. ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस होगा आपके लिए, एंड वो आपका ब्लेसिंग है. सो पास्ट में आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे, बहुत हाइज एंड लोस हो रहा था आपके बॉडी में, आपके इमोशंस में, आपके मूड में. ओके, आपको लग रहा था कि लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है. ओके, दैट मे बी समथिंग. नाउ फाइनली आप उस फेज से बाहर आ रहे हो. ओके, एंड वही आपका ब्लेसिंग है, जहाँ पे यू विल बी इन अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे यू नो आपके अंदर एक पावर होगा क्रिएट करने का. ओके, यानी कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले, स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं. आई एम डेफिनेटली सीइंग जस्ट लाइक दिस स्पार्क. ओके, एक स्पार्क होगा आपके अंदर जहाँ पे आप यू नो बहुत कुछ नया आप क्रिएट करना चाहेंगे, आप करेंगी भी. ओके, दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज. ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस. या बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग जस्ट सम काइंड ऑफ मैसेज अराउंड पास्ट लाइफ, जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो यहाँ पे जो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज. ओके, ये अभी इट वन मेक सेंस, लेकिन जब ये होगा तब पता चलेगा एक्चुअली. सो आई एम सीइंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, ये बहुत लोगों के लिए कुछ पास्ट का कुछ इमोशंस जो है वो ट्रिगर हो सकता है. ओके, यानी कि जिस चीज़ से आप हील हो रहे हो ना, वो फिर से ट्रिगर हो सकता है किसी हद तक. ओके, दैट इज समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे ये एक टेस्ट जैसा होगा. ओके, लाइक ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर राइट अराउंड द कॉर्नर. यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा चीज़ है जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन ठीक पहुँचने से पहले एक ट्रिगर है या फिर एक टेस्ट है जहाँ पे आपको थोड़ा सा यू नो टेस्ट किया जाएगा किसी हद तक. ओके, दैट इज समथिंग आई एम सीइंग.
या एंड आपके इंट्यूशन को टेस्ट किया जाएगा, बट यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टे स्ट्रांग. ओके, लेकिन ये इतना भी बड़ा कुछ एक एनर्जी दिखाई नहीं पड़ रही, ये बस थोड़ा सा एक ट्रिगर हो सकता है बहुत लोग के लिए. ओके, थोड़ा सा आपको ट्रिगर किया जाएगा जब आप यू नो जस्ट आप पहुंचने वाले हो अपने डेस्टिनेशन में, उसी टाइम के पहले थोड़ा सा यू नो आई एम सीइंग लाइक थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि आप इसको ओवरकम कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे किसी चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है शायद अभी भी. ओके, पास्ट के एनर्जीज़ को लेके अभी भी थोड़ा सा हीलिंग बाकी है, वही चीज़ सबको दिखाया जाएगा एक्चुअली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज. सो या डिवाइन मास्कुलिन है, इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर, सो ये आपका ब्लेसिंग है. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होगा आपके लिए. ओके, एंड आई एम सीइंग बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होगा आपका विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ पे अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं था ना पास्ट में एक्शन लेने के लिए, अभी कहीं से सडनली एनर्जी आ जाएगा एंड आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे. एंड आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा यू नो प्रोडक्टिव होगा आपका रिजल्ट्स. ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, या दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. एंड फॉर सम ऑफ यू आई डोंट नो वाई, इट कैन बी लाइक डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. ओके, यहाँ पे मुझे एज वेल एक मस्कुलिन एनर्जी का वाइब दिखाई पड़ रहा है किसी सी के लिए. ओके, एंड मैं ये जेंडर पे नहीं जाऊँगी टू बी ऑनेस्ट, ये काउंटर पार्ट हो सकता है किसी सी के लिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग है, बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक करियर में अल्टीमेट ग्रोथ. ओके, जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप सेजिटेरियस हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, लियो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो. ओके, व्हाट एल्स एम आई सीइंग, एरीज से यहाँ पे कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो. ओके, सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, सो डजेंट रियली मैटर. आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये रोज क्वार्ट्स एंड दिस 8 of Wands चूज किया है जो कि 8 of Bows, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द 8 of Bows एंड रोज क्वार्ट्स, सो बहुत लोगों के लिए सो आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके यहाँ पे या विद द 8 of Wands यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, सो अगर बहुत वक्त से बहुत कुछ चीज़ें स्टेगनेंट था, देन आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट आ जाएगा. ओके, बहुत लोगों के लिए विद द 8 of Wands ये कोई मैसेज हो सकता है. ओके, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, किसी टाइप का ईमेल, ओके किसी टाइप का न्यूज़, ओके जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो आपको मिलेगा. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग समथिंग गेटिंग डिलीवर्ड, कुछ चीज़ है जो डिलीवर्ड होने वाला है. ओके, आई डोंट नो वाई. ओके, बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट जो जिसको लेके गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है. ओके, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ ट्रैवलिंग दिखाई पड़ रहा है विद द 8 of Wands. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट. ओके या एंड बहुत ही या ये बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी है. ओके, खुशी. ओके, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई पड़ रहा है. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके एंसिस्टर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी आपके तरफ सेंड किया जा रहा है. ओके, दे आर सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग, आई डोंट नो वाई आई एम सीइंग ओके सो मच. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके तरफ भेजा जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी भेजा जा रहा है आपके तरफ. सो या डेफिनेटली विद द रोज क्वार्ट्स आपका हार्ट चक्रा जो है वो धीरे धीरे खुल रहा है. ओके, जिसके वजह से जो कुछ भी ब्लेसिंग्स आना था या फिर पेंडिंग हो रहा था उसको लेके फॉरवर्ड मूवमेंट आ जाएगा फॉर यू. सो इफ यू हैव बिन फीलिंग स्टक, देन उसको लेके बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा या एक टाइप का एक फ्लो आ जाएगा आपके लाइफ में. सो इफ किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वो भी पूरा होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 3.
बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आएगा फॉर सम ऑफ यू. अगर करियर के केस में आई एम ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटीज, जो आपका हार्ट डिजायर यू ना दिल से अगर आप बहुत ज़्यादा विश कर रहे थे कि ये हो जाए ये हो जाए, देन आई एम सी कि उन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा एनर्जी आपके लाइफ में आ रहा है एंड फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है. ओके, सो इफ यू हैव बिन वेटिंग फॉर समथिंग देन वो पूरा होगा फॉर सम ऑफ यू. वो एक मैसेज आ रहा है क्योंकि आपका हार्ट चक्र डेफिनेटली खुल रहा है धीरे धीरे, सो यू आर गेटिंग रेडी टू रिसीव इट. आप रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हो विद टाइम. यप, बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ म्यूजिशियंस है शायद, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ म्यूजिक एंड डांस ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है म्यूजिक एंड डांस का. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका जो लाइफ है वो शायद आपको यू नो म्यूजिक से भरा डांस से भरा वैसा कुछ लग सकता है. सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है, किसी का शादी हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, दैट मे बी समथिंग. या लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. ओके, वन कार्ड एट अ टाइम. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. वन लास्ट कार्ड. नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3. नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, हियर वी गो. सो वन ऑफ द डेक है लवर्स. लवर्स, ओके. सो आपका फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सेकेंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून. आपका थर्ड कार्ड है टावर. एंड द फोर्थ कार्ड इज नाइन ऑफ कप्स. ओह माय गॉड, नाइन ऑफ कप्स. ओके, सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग ये बहुत ज्यादा, दिस इज द रीडिंग विच इज लाइक वेरी जॉली काइंड ऑफ रीडिंग. आप बोल सकते हो कि ये वाला जो पाइल है जिन्होंने भी चूज किया है इट्स वेरी यू नो फ्लो के साथ आगे बढ़ना एंड बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अच्छा जाएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. दैट इज समथिंग आई एम सीइंग एक्चुअली. सो अगर आपका जो यू नो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि पास्ट में आप स्टेग्नेंट फील कर रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि यू नो बहुत कुछ चीज़ें हैं बहुत स्लो जा रहा है, यू नो ज़्यादा एक यू नो कुछ भी चीज़ यू नो या टाइम से नहीं हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो है ये रास्ता, बहुत ज़्यादा स्लो से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज जैसे आप आगे बढ़ेंगे आई एम डेफिनेटली सीइंग जस्ट सम काइंड ऑफ लाइक एक्टिवेशन जो होने वाला है आपके लाइफ में. एंड ये जो एक्टिवेशन है ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सा दरवाज़ा खोल देगा. एंड आप ये बोल सकते हो कि भगवान यू नो इट्स लाइक डेस्टिन्ड, भगवान ने ये टाइमिंग सेट किया हुआ है. ओके, आपके लाइफ में बेसिकली इसी टाइमिंग में होना था. सो कुछ ना कुछ है जिसको लेके डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपके लाइफ में. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज जैसे आप आगे बढ़ेंगे यू विल विटनेस. ओके, आप खुद ये फील कर पाएंगे एंड देख भी पाएंगे कि एक दरवाज़ा जो है आपके लाइफ में खुल रहा है. ओके, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यू नो माइंड ब्लोइंग. ओके, यानी कि आई एम सीइंग विद अ टावर ये जो ये बहुत ही बड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, टावर है, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे एक ही रात में आप लॉटरी जीत रहे हो, एक ही रात में कुछ हो गया. ओके, बहुत ही बड़ा सा एंड बहुत ही बड़ा सा एक चेंज हो रहा है आपके लाइफ में. दिस इज समथिंग रियली बिग एक्चुअली. ओके, सो बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सा दरवाजा आपके लिए खुल रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज. एंड जो आपका पास्ट का फाउंडेशन रहा है ना लाइफ में किसी भी चीज को लेके, आई एम सीइंग कि उसमें बहुत बड़ा सा एक चेंज आएगा. सो देयर इज समथिंग वेरी बिग चेंज. ओके, देयर इज वेटिंग फॉर यू. एंड ये चीज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस लाएगा विद द नाइन ऑफ कप्स. यानी कि हमेशा से आप ये चाह रहे थे एंड ये आपके लिए होने वाला है. ओके, सो देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक ओवरनाइट यू नो आप बोल सकते हो कि ओवरनाइट. ओ माय गॉड, ओवरनाइट बोलने में मुझे इतना डिफिकल्टी क्यों हो रहा है. ओ माय गॉड, सो बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट लाइक ये
बहुत शॉकिंग होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए. आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट. यानी कि बहुत शॉकिंग आपको भी लगेगा, आपके आसपास के लोगों को भी लगेगा, क्योंकि देयर इज लाइक सम काइंड ऑफ लाइक ओवरनाइट शिफ्ट. ओके, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बहुत ही फास्ट पेस में हो रहा है. यानी कि बहुत वक्त से आप वेट कर रहे थे एंड वो बहुत ही फास्ट पेस में विद इन नेक्स्ट 30 डेज में होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड यू विल बी सरप्राइज, आप खुद भी सरप्राइज होने वाले हो. या विद द लवर्स, ओके, इट कैन बी लाइक एनी थिंग. टू बी ऑनेस्ट, मैं ये आपको ये बस ये लवर्स देख के मैं नहीं बोलूँगी ये लव लाइफ को लेके है. ओके, ये करियर को लेके हो सकता है, जहाँ पे शायद आप वेट कर रहे हो कि कहीं पे यू नो जॉब लग जाए. ओके, एंड आपने कहीं अप्लाई किया, दैट मे बी समथिंग. बहुत लोगों के लिए वो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है. सो देयर इज लाइक अ ग्रीन लाइट. यानी कि अगर आप बहुत वक्त से मेहनत लगा रहे थे किसी चीज़ में एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश इसका रिजल्ट अच्छा हो, वो रिजल्ट अच्छा होने वाला है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड बहुत लोगों के लिए तो दो दो रास्ता खुल जाएगा. ओके, सो चॉइस आपको बनाना है कि किस रास्ते जाना है. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग आपके लिए बहुत बड़ा एक दरवाज़ा खुलने वाला है. सो फॉर सम ऑफ यू जस्ट लाइक लिटरल ये लव लाइफ को भी लेके हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बट देयर इज लाइक बिग चेंज. ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, सो यहाँ पे है अटैचमेंट. ओके, बॉटम ऑफ द डेक. सो पेशेंस है, यहाँ पेशेंस. नेक्स्ट है स्टॉर्म वार्निंग. ओ माई गॉड, दे आर नॉट लेटिंग मी नो मच. ओके, यहाँ फिर से आप देखेंगे ये और टावर कार्ड ऑलमोस्ट सेम है. ये दोनों भी कार्ड सेम है एक्चुअली. सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट लाइक लाइफ चेंजिंग इवेंट्स. ओके, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स. एंड ये बहुत ही सरप्राइजिंग होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा बहुत लोगों के लिए तो एक्चुअली. यानी कि आपको ये खुद ही शॉकिंग लगेगा कि अच्छा, यू नो आई डिडंट नो कि ये ऐसा हो सकता है. ओके, ये वैसा एनर्जी है. सो विद द पेशेंस आई एम सीइंग कि बहुत वक्त से आपने पेशेंस रखा है किसी चीज़ को लेके. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग ये करियर को लेके होगा. बहुत लोगों के लिए बहुत वक्त से आप मेहनत लगा रहे हो एंड आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि कब होगा कब होगा. एंड इट्स अबाउट टू ब्लो अप. ओके, इट्स लाइक वेरी सरप्राइजिंग. लाइक नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ग्रुप नंबर 3 के लिए यहाँ बहुत बड़ा सा गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आएगा. एंड वो चीज़ आपका जो फाउंडेशन है वो चेंज कर देगा आपके लाइफ का ओवरऑल. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए अगर आप पास्ट के पैटर्न में अटके हुए थे ना, अगर आपको लग रहा था कि ये कब खत्म होगा, ये साइकिल कब खत्म होगा, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे, देन आई एम सीइंग कि उसमें चेंज आएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. वाओ, लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. ओके, हियर वी गो. बॉटम ऑफ द डेक है सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच. ओके ओके, फर्स्ट कार्ड है इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड. या नेक्स्ट है डाइविंग फॉर लाइट. डाइविंग फॉर लाइट, ओ माय गॉड. सो वाओ, ओके, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल. सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक या ये बहुत लोगों के लिए एक करियर है आपका. ओके, आई एम सीइंग कि आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल एक्टिवेशन होने वाला है. ओके, आपके लाइफ में. एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत लाइट वर्कर्स लोग हैं, बहुत यूनिक लोग हैं, जो लोग यू नो कुछ ना कुछ हटके काम कर रहे हैं अपने लाइफ में. एंड यू नो जो कुछ भी आपका जर्नी है वो बहुत ही हटके है, क्योंकि आप लोग ही यू नो बहुत यूनिक हो. एंड आई एम सीइंग कि इस जर्नी में आप बहुत वक्त से रहे हो जहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी हो रहा था. ओके, जहाँ पे आप अपने आप को और ज़्यादा फिगर आउट कर रहे थे विद टाइम, आप अपने आप को और ज़्यादा पहचान रहे थे. ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है कि आप बहुत ही अलग हो. एंड यू नो जो कुछ भी आप करते हो, आपका जो आइडियाज़ है, आपका देखने का नज़रिया, ओके, जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट. ओके, आपके बारे में. सो आई एम सीइंग कि जैसे आप फिगर आउट करते गए, आई एम सीइंग कि आप अपने पूरी तरह से जो आपका डेस्टिनी है उसके साथ आप अलाइनमेंट में आते गए एक्चुअली उसी जर्नी में. सो जैसे आप अभी आगे बढ़ो, यू आर एब्सोल्युटली रीचिंग दैट काइंड ऑफ प्लेस वेयर यू आर मेंट टू बी. ओके, जहाँ आपको एक्चुअली होना है. सो वही चेंज होने वाला है विद इन नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 चूज किया, आई एम सीइंग दिस इज लाइक
वेरी पावरफुल एक्चुअली, ओके, वेरी पावरफुल टाइम फॉर यू. सो विद द डाइविंग फॉर लाइट आई एम डेफिनेटली सेइंग कि ये चीज आपको और ज्यादा एनकरेज करेगा आपके लाइफ में लाइट की तरफ आगे बढ़ने के लिए. एंड जो शायद बहुत लोग यहाँ लाइट वर्कर्स है, एज आई सेड, आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा एनकरेज फील करेंगे कि ये जो लाइट है ना उसको और ज़्यादा आप जिए, ओके, उसके साथ और ज़्यादा आप यूनियन में आए और ज़्यादा लाइट को एम्ब्रेस करें. ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3 एक्चुअली. या यू हैव लॉट्स ऑफ विजडम फॉर ग्रुप नंबर 3, आपका बहुत ज़्यादा विजडम है. एंड आई एम सीइंग कि आप उसको पूरी तरह से बाहर निकलने देने वाले हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज. आई एम सीइंग कि आप अपने पावर में होने वाले हो एक्चुअली, बहुत ज़्यादा पावरफुल जगह पे होने वाले हो जहाँ पे या आपका जो विजडम है इट्स गोइंग टू बी हाइटेंड. ओके, आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा. फॉर सम ऑफ यू तो आप लोग हीलर्स हो सकते हो एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. ओके, आई एम सीइंग वेरी वेरी हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी. एंड कुछ हद तक आई एम सीइंग कि आपका जो एक फैमिनिन एनर्जी है उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो आप बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज. यानी कि जस्ट समथिंग अबाउट लाइक, अगर आप बहुत वक्त से रोए नहीं हो, आप रोने वाले हो, ये खुशी के आंसू होंगे बहुत लोग, जहाँ पे आप और ज़्यादा सॉफ्ट फील करेंगे एक्चुअली. ओके, अपने आप को लेके और ज़्यादा नर्चरिंग होने वाले हो आप. ओके, अपनी जर्नी को लेके, अपने आप को लेके. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3. वाओ, सो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आप रहे हो किसी जर्नी को लेके. यहाँ पे बहुत बड़ा एक विश फुलफिलमेंट है. एंड यू नो आपके जो गाइड्स है वो एग्जैक्टली इतना स्पेसिफिक नहीं हो रहे, दे माइट बी, लेट मी सी. ओके, सो लेट्स सी ब्लेसिंग क्या है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज. ओके, सो यहाँ पे है एनसेस्टर्स जेनरेशंस, वाओ. एंड यहाँ पे है स्टोन पीपल विजिलेंस. सो या बहुत लोगों के लिए आपने ऐसे भी सिचुएशंस से डील किया होगा जहाँ पे यू नो यू हैव बीन लाइक ब्लॉक्ड, यू वेयर या लोग शायद आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कोई एनर्जीज हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है जहाँ आप ब्लॉक्ड फील कर रहे थे. क्योंकि विद विजिलेंस हम में से बहुत लोग शायद यू नो आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस से डील किया होगा जहाँ पे यू नो इस जर्नी में शायद आपको ऐसा लगा कि आपको अवेयर रहना चाहिए. ओके, आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि शायद सब लोग आप जैसे नहीं सोचते. ओके, दैट मे बी समथिंग. एंड देयर इज़ लाइक एन अमाउंट ऑफ अवेयरनेस जो आप वक्त के साथ आपने सीखा है वो. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि उन सब चीज़ का एक्सपीरियंसेस का मेहनत का वट एवर यू नो यू हैव गॉन थ्रू उसका ब्लेसिंग सभी फाइनली आपको दिया जा रहा है विद द एंसेस्टर्स जेनरेशन. आप में से बहुत लोग जेनरेशनल पैटर्न आप तोड़ रहे हो अपने फैमिली लाइन में. अगर आपके फैमिली में कुछ टॉक्सिक थॉट पैटर्न रहा है, बिहेवियर रहा है, अगर एक यू नो बहुत ही टॉक्सिक साइकिल रहा है, शायद आप तोड़ रहे हो. ओके, फाइनली देयर समथिंग जो आप फाइनली इसको ब्रेक कर रहे हो एंड जिसके वजह से बहुत ब्लेसिंग्स है आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से. एंड बहुत एनकरेजमेंट भी आपको दिया जा रहा है. सो जो कुछ भी ब्लेसिंग आपको मिलता है उसमें आधा हाथ आपका एंसेस्टर्स का भी है, टू बी ऑनेस्ट. ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3, ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. Blessings for group number 3 within next study. Okay. Open your heart, deep connection, water blessings. Okay. यहाँ पे है tenderness, true love, compassion. True love, compassion. Wow. And यहाँ पे है soul radiance, phoenix rising. So yeah, this is like absolutely with the phoenix rising. So finally, it's like you're rising again. Okay. ये वैसा energy है जहाँ पे आप फिर से बढ़ रहे हो. Okay. आपका जो सोल है वो फिर से इट्स आपका पैशन इग्नाइट हो रहा है, आपका सोल जो है वो रिबर्थ हो रहा है, रिबॉर्न हो रहा है मैं जो से. एंड विद द टेंडरनेस ट्रू लव कंपैशन, बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने लाइफ में यू नो जो ट्रूएस्ट लव है ना, जो एक बिकॉज आई सी दैट यहाँ पे आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होने वाले हो अपना. सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक फाइनली वो जो लव है ओके वो आपको ढूंढ के मिल रहा है. एंड ये सेल्फ लव भी होगा बहुत लोगों के लिए. ओके, अपने आप को लेके, अपनी जर्नी को लेके. एंड बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो लाइक लव इन फॉर्म ऑफ लाइक अदर पीपल. ओके, यानी कि लोगों
लोगों को लेके. इट कैन बी अ लवर, टू बी ऑनेस्ट, फॉर सम ऑफ यू ये लवर भी हो सकता है जिसके लिए आप बहुत वक्त से वेट कर रहे थे एंड वो फाइनली आ रहा है. दैट मे बी समथिंग, ओके, देयर इज समथिंग लाइक ट्रू लव, कंपैशन. आप और ज़्यादा अपने आप को लेके कंपैशनेट फील करेंगे, ओके. एंड आई एम सीइंग देयर इज समथिंग अबाउट लाइक आपका हार्ट चक्रा, एज आई सेड, आपका हार्ट चक्रा खुल रहा है जिसके वजह से ये ब्लेसिंग्स अभी आपके लाइफ में आने के लिए रेडी हो रहे हैं, ओके. सो यू आर बीइंग गाइडेड कि अपना हार्ट चक्रा खुला ही रखे, ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स आपको दिया जाएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. एंड यहाँ बोला जा रहा है कि रिसेप्टिव एनर्जी में रहे जहाँ पे आप रिसीव करने के लिए रेडी हो, ओके, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहे. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग लाइक जस्ट लाइक पीपल एंटरिंग योर लाइफ, अ स्पेसिफिक पर्सन फॉर सम ऑफ यू, ये एक पार्टनर हो सकता है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है. फॉर सम ऑफ यू ये करियर के केस में बहुत ग्रोथ है, दैट इज समथिंग आई एम सीइंग, बट इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली. ये अनएक्सपेक्टेड होगा एक्चुअली, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करो, ये सडन होगा फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके. सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. सो आप में से बहुत लोग, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, वेरी पावरफुल स्कॉर्पियो, लियो, एक्वारियस, टॉरस, ओके, सेजिटेरियस है, यहाँ पे पाइसिस है, जेमिनाई है, ओके, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू, ओके. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, ओके. यहाँ बहुत ब्लेसिंग्स आएगा आपके लाइफ में, एंड ये आपका जो लाइफ है उसको पूरी तरह से चेंज कर देगा एक्चुअली, ओके. या देयर्स लाइक समथिंग जो बहुत बहुत ज़्यादा चेंज होगा एंड शिफ्ट होगा आपके लाइफ में. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग, ओके. सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 3. आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.